बीजेपी को तो इस बार बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में जिनका सरकार है उनको मंत्रिमंडल बिहार में एक भी नहीं दिए हैं। आप भी सही हैं, वो भी सही हैं, हमके लिए सभी सही है। अब मिला कैसे नहीं? नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि हमको चाहिए ये चीज, अगर चाहते हैं तो मिलता ही। अबड़ी मतलब पलटी मारेंगे तो अबड़ी मतलब कोई जगह नहीं मिलेगा, वो अकेले लड़ेंगे चुनाव। लेकिन अबड़ी जो सरकार आएगी बिहार में वो तेजस्वी यादव करेगा सरकार। एनडीए गठबंधन थी, और बिहार की राजनीति की यदि बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, तो एनडीए ने भारी जीत हासिल की, पर उसके बाद जो हुआ वो काफ़ी चौंकाने वाला था। एनडीए दल की यदि बात करें तो जेडीयू एनडीए का पार्ट थी। जेडीयू की यदि बात करें सीटों की साझेदारी की, तो 17-17-6 था, लोजपा 6 सीटों पर थी, बीजेपी 17 और जेडीयू 17 सीटों पर, मज एक सीटें हार गई और 16 सीटों पर जीत हासिल कर संसद पहुंचे जेडीयू के नेता। मगर जब मंत्रिमंडल की बात आई तो जेडीयू के एक भी नेता कैबिनेट में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सके। माने पशु के समान होता है, अच्छा। मुरुख आदमी होता है, अच्छा। इसके लेकर के हम नहीं कुछ कर सकते। अच्छा, नीतीश कुमार कैसे नेता है? हमके लिए तो सभी सही है, हमको लिए कोई गलत नहीं है। क्यों? आप भी सही हैं, वो भी सही हैं, हमके लिए सभी सही है। क्यों? ये थोड़ा देर के लिए हम लोग जो है से गरीब की हालत है तो हम लोग कमा खा सकते हैं, यही हमको लिए बहुत है। एक दिन तो जाना सभी को है, माँ जो यही है, ये रहन सहन आदमी को वातावरण इस जगह पर में रहता है, तो यही हमको जो है से पसंद है। और जो है से कोई आदमी रहें अच्छा से रहें, गरीबों के देखें, सभी को देखें, मिलजुल करके इस संसार में आया है तो चलना है। अच्छा, जेडीयू के नेता को मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए था या नहीं? करना चाहिए, मज उनको विचार चाहिए ना। अच्छा। और विचार चलने पर में बढ़िया से अगर जैसे चले, जो सदा हम लोग बराबर एक समान रहें, उनको भी कोई अच्छी है नीचा है, पढ़े लिखे से कोई अच्छी है उसको हम विद्वान बना दें, यही संसार के नियम है। हमको किनको से राहत नहीं मिलता, क्यों? जो हम जिंदगी भर आया कमाते खाते, जीवन हमको बीत रहा है, कुछ दिन में मैं चला जाओगे, मगर सुख प्राप्त इस जगह पर हम नहीं पाया। संसार में हम जैसे सच्चाई पर चलते रहे, मगर सच बोले से मारा जाए और झूठ बोले जगपति आए। ऐसा बोल रहे हैं, रातों रात पलटी मार ली है, जनता को धोखा देकर मुख्यमंत्री बनकर चले गए, उधर गठबंधन में आकर मुख्यमंत्री बन गए, पलटी मार लिए रातों रात। अच्छा, जेडीयू के किसी नेता को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है, इसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ सकता है बीजेपी को? बीजेपी को तो इस बार बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में जिनका सरकार है उनको मंत्रिमंडल बिहार में एक भी नहीं दिए हैं। अच्छा, उसको तो घमंड हो गया कि हमको किसी का जरूरत नहीं है, हमको तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल गया है। अच्छा, जिसको रहना है आवे, नहीं रहना है जाए, अकेला राज कर रहा है, अकेला राज कर रहा है। इतना घमंड हो गया, इतना ईगो हो गया, तो क्या नीतीश कुमार को जिस तरह अभी एक भी नेता जेडीयू के शामिल नहीं हुए मंत्रिमंडल में, तो क्या एनडीए के पार्ट रहना उचित होगा? इस तरह से किसी भी नेता को शामिल नहीं किया गया जेडीयू के, नहीं शामिल करने का घमंड हो गया, तो क्या एनडीए का पार्ट रहना? नहीं शामिल किया गया, वो तो कुछ बातें पुरानी टीस तो था ही। अच्छा अच्छा, उसके लिए समय चाहिए ना, मौका चाहिए ना, मौका इनको मिला। अच्छा, उसका बदला लिया वो। अब नीतीश कुमार को डिसाइड करना है कि आप कहाँ जाएंगे, एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है। अच्छा, आप तो महागठबंधन से आरजेडी छोड़ के चले गए भाजपा में। अच्छा, या तो आप इंडिपेंडेंट खड़ा रहिए कि हमको किसी की जरूरत नहीं, हमको इसे गठबंधन नहीं करेंगे, हम स्वयं काम पर विकास पुरुष के नाम पर हम वोट लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव जीतेंगे। अच्छा, तो क्या लगता है एनडीए में इस तरह की जब चीज़ें हो रही हैं, आपने जैसा बताया घमंड हो गया बीजेपी को या जो भी बात, स्वाभाविक चीज़ है ना, 303 सीट आ गया उसको, उसको किसी सहयोगी की क्या आवश्यकता है? अगर वैसा रहता तो सबको एक बराबर दृष्टि से देखता। तो नीतीश कुमार को जेडीयू को एनडीए में रहना कितना उचित लग रहा है आपको इसके बाद? आपको क्या लगता है जेडीयू को अब एनडीए का पार्ट रहना कितना उचित लगता है जब एनडीए के पार्ट बड़े उचित अनुचित वो लोग नेता है, वो लोग को डिसाइड लेना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये जो जिस मंशा से गए थे, इनको नहीं पता है कि भाजपा का करेक्टर क्या है। अच्छा, इनको नहीं पता है कि आरजेडी का करेक्टर क्या है। अच्छा, तो आप क्या जनता को दिखाना चाह रहे थे? एक तरफ आप पलटू चाचा बन गए, उसके बाद फिर गठबंधन कर लिए, आज आप बोल रहे हैं कि हमको जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आपका चुनाव आने वाला है,
2020 में जी, आप डिसाइड कीजिए क्या क्या करना है नहीं करना है। जहाँ तक मंत्री बनाने का, प्रधानमंत्री का पूरा अधिकार होता है किसको मंत्री बनाना नहीं बनाना है, ठीक है, उसमें अच्छी नहीं है। नीतीश कुमार थोड़ा सा बैकफुट पर आए, इसलिए आए कि उनको एक सीट मिल रहा था, उनके दो लड़ुआ हैं, RCP और ललन सिंह। अच्छा, तो एक जब पद मिलेगा तो मारामारी होगा, ना खुश होगा लॉबी, तो लॉबी को पॉलिटिक्स करते हैं। अच्छा, इसलिए उन्होंने विड्रॉ कर लिया मिनिस्ट्री पर। क्या लगता है 2020 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें इस तरह की चीज़ों को लेकर बीजेपी को कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा, एनडीए को कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा? बीजेपी को कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा जदयू को। अच्छा, बीजेपी का तो पॉलिटिक्स है कि 50-50 पर चुनाव लड़ेंगे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आएंगे, कहेंगे दावा करेंगे मुख्यमंत्री मेरा। अच्छा, आपको सपोर्ट किए थे, अब हमको, क्योंकि केंद्र मुश्किल सरकार है। अच्छा, यही पॉलिसी है। अच्छा, प्लान है, सही प्लान ऐसा ही है। देखिए, ऐसे नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा एनडीए के साथ गलती किया है और धोखाबाजी किया है, क्योंकि नीतीश कुमार ने दो सीट मांगा जिसमें कि नीतीश कुमार को एक सीट मिल रहा, नीतीश कुमार समर्थन नहीं, सीट नहीं पकड़ रहा। अच्छा, आज अब नीतीश कुमार दो नाव पर था, वो कहूँ का नहीं रहा, ठीक, कने कहूँ का ना रहा, न आठ का न घाट का, ठीक। ये बहुत बड़ा धोखाबाजी किया एनडीए के साथ। एकता है, एकता हो कि हम सब लोग वोट दिए कि चलिए भाई, कहने में गठबंधन को नहीं दे करके हम लोग कमल छाप को दिए। आज अगर मेरा सरकार दिल्ली में दो सीट मांगा मेरा नीतीश कुमार, क्यों नहीं दिया मोदी? ये सबसे बड़ा धोखापनी किया मोदी सरकार ने, कुछ नीतीश कुमार ने गलती किया है। क्या गलती किया है? गलती किया है, बहुत सारा गलती किया है, क्या बोल खोल के। लेकिन अभी जो सरकार आएगी बिहार में वो तेजस्वी यादव करेगा सरकार, ठीक। नीतीश कुमार विकास पुरुष कहे जा रहे हैं, नीतीश कुमार अभी पत्ता समाप्त है, एकदम अभी नहीं रहेगा नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव रहेगा। आपको ऐसा क्यों लगा तेजस्वी यादव नीतीश कुमार विकास का काम नहीं किया? नहीं, विकास का काम नहीं किया, हम लोग का घर कबाड़ दिया, खाली पार्क बना रहा है। अच्छा, लड़का लड़के का और बिगाड़ दिया है, पार्क बना रहा है तो लड़का लड़की बिगाड़ बिगाड़ रहा है, बेग टांग पढ़ने नहीं आता है। अच्छा, और वहाँ पर जाके दूसरा कॉलेज करता है, जानिए नीतीश कुमार नहीं जानते हैं क्या? अच्छा, ये बताइए जेडीयू के किसी भी नेता को कैबिनेट में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, क्या कारण रहा होगा इसके? पलटू राम है, पलट जाते हैं, किसी पार्टी से गठबंधन करते हैं पलट जाते हैं, इसीलिए पलटू राम। अच्छा, तो बीजेपी को ये डर सता रहा है कि यदि मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं तो फिर कहीं पलट ना जाए? हाँ, इसीलिए ये डर पलटने के लिए। मेरा यही कहना है कि नीतीश कुमार जी जदयू के मुख्य आदमी हुए जी, तो कौन सा ऐसा दल हुआ है जो अब खुद मुख्यमंत्री हैं, तो खुद मुख्यमंत्री का पद छोड़ के वो सेंट्रल तो जाएंगे नहीं, और कोई दूसरे नेता को भेज देंगे अगर सेंट्रल में, तो इनसे ज़्यादा नाम कमा लिया तो अगला बार बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो जाएगा ना, तो क्यों सीट दिलवाएंगे भाई, क्यों केंद्र में भिजवाएंगे किसी को? ये नीतीश कुमार ने नहीं दिलवाया या उनको मिला ही नहीं? अब मिला कैसे नहीं, नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि हमको चाहिए ये चीज़, अगर चाहते हैं तो मिलता ही। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि नीतीश कुमार अगर भेज देंगे किसी को और अगर वो बड़ा हो गया, अच्छा काम कर दिया, अभी हम लोग नीतीश कुमार को एक विकास पुरुष मानते हैं, बिहार के लिए तो विकास किया ही है 15 सालों में, लेकिन अगर कोई और जाके विकास कर देता है और वो जाके एनडीए में शामिल हो जाता है तो आने वाले चुनाव में बिहार के एक बहुत अच्छा चेहरा भी मिल सकता है नीतीश कुमार के अगेंस्ट में तेजस्वी। हमको तो नहीं लगता कि अभी बहुत अच्छा चेहरा है नीतीश कुमार के अगेंस्ट। अच्छा, आपके माने तो ये वेल प्लान्ड सेटअप था नीतीश कुमार? पूरा सेटअप है। अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत दूर का सोच के सेटअप किया हुआ है। अच्छा, देखिए सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ, नीतीश कुमार ने आज से 5 साल पहले एक बयान दिया था कि मिट्टी में मिल जाऊँगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊँगा, महागठबंधन में रहते हुए ये बयान दिया था, ठीक है। वही बयान को नरेंद्र मोदी ये अच्छी कर रहे हैं, उनको कोशिश किया जा रहा है कि इनको मतलब मिट्टी में मिलाया जाए। एनडीए अंदर से पूरा दरार है, अंदर में बस दिखा नहीं रहे ये लोग, नीतीश कुमार मजबूरन एनडीए में रह रहे हैं, उनको कोई इज्जत नहीं मिल रहा है एनडीए में। मजबूरी किस बात की? मजबूरी इस बात की है क्योंकि महागठबंधन में से तो ये पलटी मार चुके हैं, इनका नाम पलटू नाम रखा गया है महागठबंधन से पलटी मारने के बाद, इसी कारण अब ये सोच रहे हैं कि हम जाएँ किधर। एनडीए से अगर अलग होंगे तो फिर इनका जो तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव बयान दिए थे कि जदयू जो पार्टी है डायनासोर की तरह समाप्त हो जाएगी, इसी कारण नीतीश कुमार को डर है कि अगर एनडीए से हटा तो वो तेज प्रताप और तेजस्वी यादव का बात सच हो जाएगा कि डायनासोर की तरह बिहार से विलुप्त हो जाएगी ये जदयू पार्टी। क्या लगता है जेडीयू के किसी भी नेता को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, क्या कारण है इसका? क्या कारण है? कुछ कारण नहीं है। अच्छा,
ऐसा एक बार हुआ है कि डिनर पार्टी पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार ने इनवाइट किया था और वो डिनर पार्टी कैंसिल हो गया था, क्या उसी का बदला तो नहीं है ये? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल उसका बदला है। दिल्ली में जगह नहीं मिला और नहीं मंत्रिमंडल में जगह मिला। मंत्रिमंडल में जगह मिलता तो अच्छा रहता कि मतलब बिहार के बारे में कोई वहाँ पर आदमी बोल सकता था बिहार के बारे में कि हम बिहार को विकास करेंगे। वही अब तो वहाँ कोई बोलने वाला है नहीं, तो मतलब विकास कैसे होगा? ये मतलब भाजपा करे, भाजपा वाले विकास और कोई देश के विकास करेंगे, यहाँ बिहार को मतलब छोड़ देंगे, पिछड़ा वर्ग मतलब नहीं होता वो बिहार को मतलब छोड़ दिया जाएगा। क्या लगता है दरार आ रही है क्या धीरे धीरे एनडीए गठबंधन में? 2020 में बहुत दरार आ जाएगा, फिर से मतलब नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। अबड़ी मतलब पलटी मारेंगे तो अबड़ी मतलब कोई जगह नहीं मिलेगा, वो अकेले लड़ेंगे चुनाव। अच्छा। नहीं भाजपा में रहेंगे नहीं महागठबंधन में रहेंगे, अकेले वो चुनाव लड़ेंगे, वो हार जाएंगे, वो कन्फर्म हारेंगे, क्योंकि मतलब एक बार पलटी मारा जाता है, दो बार पलटी मारा जाता है, बार बार किसी के पलटी नहीं मारा जाता है। अच्छा, महागठबंधन स्वीकार नहीं करेगा क्या नीतीश कुमार यदि? नहीं स्वीकार, उनके लिए कोई दरबार खाली नहीं है महागठबंधन में। तेजस्वी यादव तो बोले हैं कि इनको लिए कोई मतलब मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खुला हुआ है। अच्छा। तेजस्वी यादव में ये पप्पू यादव और नीतीश कुमार के लिए कोई दरवाज़ा नहीं खुला हुआ। कारण रहा कि मतलब बात से पलट गए और क्या, सबसे बड़ी बात अब बिहार से चुनाया गया, सिर्फ एक सीट ही मिला और बाकी मिला भाजपा को, सीट देना उनका अधिकार ही था, सबसे बड़ा काम था, लेकिन नहीं मिला। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब उनके क्या बीजेपी का सोच रही क्यों नहीं दिए वो तो वही बता सकते हैं। क्या लगता है कि जेडीयू को बीजेपी हल्के में ले रही है बिहार में क्या? बहुत 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 हल्के में ले रही है, इसलिए वो सोच रहे थे कि मतलब हम खुद के बारे में सोच रहे हैं, खुद के बारे में, जैसे नीतीश कुमार दो नाव पर सवार कर रहे हैं तो हमेशा जो दो नाव पर सवार करता है वो हमेशा डूब जाते हैं, मतलब उनको एक जगह कहीं दिमाग स्थिर ही नहीं लगता है। अब इनका विचार देखिए, अब आगे हम लोग की जनता ही बताएगी। ये जबरदस्ती वाला आपको क्यों लग रहा है? लगेगा नहीं भैया, अब बताइए, अब एनडीए जीता बीजेपी से। अच्छा। अब सांसद सिर्फ मिला किसी को, मतलब कोई मंत्री नहीं मिला, मंत्री बैठक सीट किसी को नहीं मिला, तो मतलब अपनी अपनी सोच पर है और क्या। आपको क्या लगता है कि मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया जेडीयू के किसी भी नेता? बहुत अच्छा हुआ पलटू राम के लिए, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, बहुत ना लालू यादव के जो है ना बहुत धोखा दिया है। अच्छा, जितना जनता जो है ना बहुत बुर्बक बना के चल गया लालू जी के। अच्छा। आज एकरे भोगिया जो है लालू जी जेल में है, ठीक ना? ये सब करता है अब भोगे हैं वो, ठीक ना? क्या नीतीश कुमार को इसके बाद एनडीए में जाने का पछतावा हो रहा है, क्या लगता है? होना ही चाहिए, ठीक ना? बहुत अच्छा है पलटू राम के लिए, बहुत अच्छा है, ठीक ना? एनडीए में कितना आप अटूटता देख रहे हैं, कितना देख रहे हैं कि सभी मतलब अटूट होकर एनडीए खड़ी है, या फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि दरार सा लगने लगा है एनडीए गठबंधन? दरार तो लग रहा है, इसलिए कि नीतीश कुमार जो है अभी रहेगा नहीं, एक मंत्री मिला नहीं, तीन को खोज रहा था, एक मिल रहा था लेकिन वो नहीं लिया, तो हुए करेगा। लेकिन अभी लालू जी के पार्टी में इसको रखना नहीं चाहिए, ठीक ना? पलटू राम न घर के रहेगा न घाट के रहेगा। बहरहाल हम जनता से जुड़ रहे थे और जान रहे थे उनकी राय, उनके विचारों को जान रहे थे कि जिस तरह से एनडीए में जेडीयू को मंत्रिमंडल में किसी भी नेता को जगह नहीं मिली है, तो जनता इस पर क्या सोचती है, उनकी क्या राय है। कुछ लोगों का कहना था कि बीजेपी को जितनी सीटें मिली है बहुमत से आई है, तो कहीं ना कहीं घमंड आ गया है जिसके कारण जेडीयू को शामिल नहीं किया गया मंत्रिमंडल। तो कुछ लोगों का कहना था कि जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार दल बदल रहे हैं तो ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है नीतीश कुमार को कि उनके किसी भी नेता को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। बहरहाल देखना ये होगा कि 2020 का जो रन होने वाला है वो कितना रोचक होगा, क्या नीतीश कुमार अकेले ही खड़े रहेंगे या फिर एनडीए के जो दल हैं वो सभी साथ में रहेंगे। तमाम जो खबरें हैं लाइव सिटी सबसे पहले आप तक पहुंचाता रहेगा। बहरहाल आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। सहयोगी विकास के साथ मैं वसीम, लाइव सिटी पटना। बीजेपी को तो इस बार बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा क्योंकि बिहार में जिनका सरकार है उनको मंत्रिमंडल बिहार में एक भी नहीं दिए हैं। आप भी सही हैं, वो भी सही हैं, हम के लिए सभी सही है। अब मिला कैसे नहीं, नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि हमको चाहिए ये चीज़, अगर चाहते हैं तो मिलता ही। अबड़ी मतलब पलटी मारेंगे तो अबड़ी मतलब कोई जगह नहीं मिलेगा, वो अकेले लड़ेंगे चुनाव। लेकिन अबड़ी जो सरकार आएगी बिहार में
वो तेजस्वी यादव का रहेगा सरकार।